हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 22 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ, जो कि राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। तो मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डेली वीडियोज के लिए और मुझसे राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचारों की। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज टॉपर्ड स्टेट ओन्ड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC टू बिकम द कंट्रीज बिगेस्ट कंपनी बाय रिवेन्यू। द मुकेश अंबानी लेड कॉन्ग्लोमरेट इन द 2018-19 फिस्कल ईयर दैट एंडेड मार्च 31st रिपोर्टेड ए टर्नओवर ऑफ 6.23 लाख करोड़ रुपीज। इन कंपेरिजन IOC पोस्टेड ए टर्नओवर ऑफ 6.17 लाख करोड़ रुपीज फॉर द फिस्कल ईयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज राजस्व के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2018-19 में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले समूह ने 6.23 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसकी तुलना में IOC ने राजस्व के लिए 6.17 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है। नेक्स्ट, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज अनाउंस्ड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द FMCG आर्म ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री टटवा। अंडर दिस पार्टनरशिप योनो यूजर्स कैन अवेल ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय श्री श्री टटवा, सच एज फूड, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, बियोगी एप्रियल्स एंड संक्रा स्किन केयर प्रोडक्ट्स। भारतीय स्टेट बैंक ने द आर्ट ऑफ लिविंग की FMCG शाखा श्री श्री तत्वा के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत योनो उपयोगकर्ता भोजन, व्यक्तिगत देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, होम केयर, बियोगी अपेरल्स और संक्रा स्किन केयर उत्पादों जैसे श्री तत्वा द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों की पूरी श्रृंखला पर 15% की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। पुलिस ऑफिसर जितेंद्र कुमार एन इंडियन पीस कीपर इज अमोंग द 190 मिलिट्री पुलिस एंड सिविलियन पर्सनल हु विल बी ऑनर्ड विद ए प्रेस्टिजियस UN मेडल 2019 फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ही विल बी ऑनर्ड पोस्टमियसली विद द डैग हेम्ब्रुक जोल्ड मेडल एज द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। एक भारतीय शांति सैनिक पुलिस अधिकारी जितेंद्र कुमार 119 सैन्य पुलिस और नागरिक कर्मियों में से एक है, जिन्हें कर्तव्य की सीमा में साहस और बलिदान के लिए एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक 2019 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर मरणोपरांत दाग हम रस्कल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा हैज बीन एक्नोलेज्ड एज द मोस्ट व्यूड स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन। कॉमेडियन अभिनेता कपिल शर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भारत और विदेशों में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अभी स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। तो इंडोनेशिया जोको विडोडो हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बीटिंग रिवाल प्रबो सुबियंतो सबियांतो, ए रिटायर्ड जनरल। विडोडो एंड हिज वाइस प्रेसिडेंशियल
रनिंग मेट मारूफ अमीन वॉन द इलेक्शन बाई ए 55.5% टू 44.5% मार्जिन ओवर सुबेंतो एंड संडिगो यूनो। इंडोनेशिया के जोको विडोडो ने एक सेवानिवृत्त जनरल प्रतिद्वंदी प्रबाओ सबियांतो को हराकर देश के राष्ट्रपति का पद पुनः प्राप्त किया। विडोडो और उनके उपराष्ट्रपति साथी मारूफ अमीन ने सुबिंतो तो और सैन डिएगो उनो पर 55.5% से 44.5% के अंतर से चुनाव जीता है। नेक्स्ट आई बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की, तो ब्रुक्स कोएपा कोपका ऑफ यूएसए रिटर्न्ड टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग आफ्टर हिज नर्व जंगलिंग सेकंड स्टेट यूएस पीजीए चैंपियनशिप विक्ट्री एट बैथपेज ब्लैक। बैथपेज ब्लैक में अपनी लगातार दूसरी अमेरिकी पीजीए चैंपियनशिप जीत के बाद ब्रुक्स कोपका यूएसए पुनः विश्व रैंकिंग के शीर्ष पर आ गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टोरिज निधन की, तो द फॉर्मर फॉर्मूला वन ड्राइवर एंड 3-time वर्ल्ड चैंपियन निकी लोडा हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70। ही हेल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया निकी लोडा हु वॉन टाइटल्स इन 1975, 1977 एंड 1984 वाज हगली एडमायर रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड विद F1। ही वॉन 2 टाइटल्स फॉर फरारी एंड 1 फॉर मैकलर्ट। पूर्व फॉर्मूला वन ड्राइवर और 3 बार के विश्व चैंपियन निक्की लोडा का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह ऑस्ट्रिया से थे। 1975, 77 और 1984 में खिताब जीतने वाले निक्की लोडा को F1 फॉर्मूला वन में काफी प्रशंसा सम्मान और पसंद किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की बात की जाए तो मिसलेनियस न्यूज विविध समाचार। नीति आयोग हैज सर्कुलेटेड ए कैबिनेट नोट टू प्रोवाइड 7,500 करोड़ रुपीज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एयर रावत ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अलोंग विद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिसी थिंक टैंक्स प्रपोजल टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इन द कंट्री। नीति आयोग ने अनुसंधान संस्थान के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एयर रावत की स्थापना के लिए 7,500 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए कैबिनेट नोट परिचालित किया है। यह देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने के टैंक थिंक के प्रस्ताव का हिस्सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।